मुल्क भर में तेजी से फैलती हुई रिटेल चेन इम्तियाज मेगा स्टोर 8 शहरों में कामयाबी के बाद 9वें शहर सरगोधा में भी खुल गया। माल ऑफ सरगोधा में 21वें इम्तियाज मेगा स्टोर की शानदार इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें MNA अमर सुल्तान चीमा ने अपने दस्ते मुबारक से चेयरमैन इम्तियाज मेगा इम्तियाज अब्बास के हमरा फीता काट कर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब की खुशी में कस्टमर को 15% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इम्तियाज मेगा में सौदा सेल्फ के साथ साथ हर किस्म के फल, सब्जी, गोश्त, लाइव बेकरी, लाइव कॉस्मेटिक, मेडिसिन पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेहमान खसूसी आमिर सुल्तान चीमा ने इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इम्तियाज मेगा सरगोधा के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिस स्टोर ने सरगोधा के 600 के करीब अफराद को रोजगार फराहम किया है और ये सदका जारिया है। इंटरनेशनल मियार के मुताबिक सरगोधा में स्टोर बनाने पर इम्तियाज अब्बासी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि सरगोधा माल वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले इम्तियाज़ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह उन्होंने माल ऑफ सरगोधा में इम्तियाज मेगा स्टोर का आज बिस्मिल्लाह की है जी। माशाल्लाह मैंने ये देखकर इंतहाई खुशी हुई है कि ये इंटरनेशनली किसी से भी कम नहीं है स्टोर। माशाल्लाह क्वालिटी बड़ी अच्छी है, हर चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा गया। और सबसे ज़्यादा खुशी जो जिस बात की है कि सरगोधा के 600 से ज़्यादा जो है नौजवान बच्चियाँ बच्चे इन्होंने भर्ती किए हैं, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है और ये सारा का सारा इम्तियाज़ साहब का उनकी टीम का है। मैं इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गूँ कि ये तरक्की करे और जिस तरह ये एक गेम चेंजर सरगोधा के लिए गेम चेंजर ये साबित होगा माल और माल के अंदर ये जो इम्तियाज स्टोर है, इसलिए इसी तरह मैं सरगोधा माल वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई, इतना अच्छा एटमोसफेयर मुहैया किया और इम्तियाज़ साहब ने जिनका बिज़नेस कराची में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में और बाकी सियालकोट दूसरे शहरों में है, उन्होंने सरगोधा जैसे देहाती शहर को या शहीनों के शहर को का इंतखाब किया और शहीनों के इस शहर में एक अच्छा स्टोर दिया और इतने मेरी चीज़ें यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश जो मीट का है और बेकरी का सामान फ्रेश है, इसी तरह ही इंपोर्टेड चीज़ें भी हैं। मौके पर चीमा साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी और हमारी बिजनेस को, मेरे नाम को और इज्जत दी और बड़े खूबसूरत अल्फाज अदा किए स्पीच में भी और अब इस इंटरव्यू में। तो थैंक यू सो मच चीमा साहब और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो लोग भी इसको देखें। चीमा साहब आप जो सुन रहे हैं कि खुदा अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी और एनर्जी दे कि मैं पाकिस्तान के एक एक आदमी की खिदमत कर सकूं, हम उनके लिए आसानियां पैदा कर सकें, उनके घर में जो मखलूक है, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि दिन और रात खुदा मुझे आसानियां दे रहा है तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं पाकिस्तान के एक एक आदमी तक आसानी पहुँचाऊँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, मैं उनकी बात को दोहराऊँगा कि इस शहर में 612 बच्चे और बच्चियां यहां पर इम्प्लीमेंटेशन दी है और मेरी ये ख्वाहिश है कि हर शहर में इतनी इम्प्लीमेंटेशन दें। आई कैन बिलीव के मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं और ना हमें ज़रूरत थी, ये मामला तो मेरा 40 साल पहले ख़त्म हो चुका था पैसों का। मैं सिर्फ पूरे पंजाब में और जगह जगह मुल्क के चारों सूबों में इसलिए जाता हूँ और डेवलपमेंट करता हूँ कि हर जगह लोगों को इम्प्लीमेंटेशन मिले और वहीं के मकामी लोगों को रहने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो स्टोर है वो लोग आएंगे विज़िट करेंगे तो किसी लिहाज से भी वो स्टोर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे छत जिंदगी हाय की तमाम रोज़मर्रा की चीज़ें और कम प्राइस बेचना कोई बड़ी बात नहीं।